हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बनाया अपना ये भयंकर से कैसल, और इस वीडियो में हम लोग जा रहे ब्रीड करने 3 बहुत मस्त से पेट, ओर्जर्क, एनुबस और शैडोबी। जो ओर्जर्क है वो इस गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। एनुबस इस गेम का सबसे बेस्ट मजदूर है, वो हमारे बेस में बहुत सही मजदूरी करता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। और शैडोबी जो इस गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पहल है। तो चलो चलते हैं अब अपना ब्रीडिंग स्टार्ट करने। आओशुवाई ब्रीडिंग करने के लिए पैर के बीच में हमें एक ब्रीडिंग फार्म चाहिए, और ब्रीडिंग फार्म में हमें यहाँ पे केक लगाना पड़ता है। जितने केक हम यहाँ पे लगाएंगे उतने ही हमें एग्स मिलेंगे, और उन एग्स को हम लोग यहाँ पे इनक्यूबेट करेंगे और हमें पोकेमॉन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें एनुबस ब्रीड करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए रिलैक्सोस और ब्राउन चेरी। चलो लाते हैं, वो हमारे बेस में लगे हुए हैं। तो शुभांश भाई केक बनाओ, तब तक देख सकते हो ये रिलैक्सोसॉरस है। और तुम्हारा जो रिलैक्सोसॉरस और ब्राउन चेरी है वो मेल और फीमेल होना चाहिए। पानी दे रहा है भाई, उसको उठा करके लाते भाई। उठ जा भाई, उठ। अबे तू कहाँ उठ गया, तू यहाँ से निकल, तू आ जा, करो जो करना अपना। केक लगा दो, सोच लगा दिएगा तुमने, केक लगा हुआ है। तो एक केक लगा है तुम्हारा, हमें एक एग मिलेगा यहाँ से। और अगर हम लोग यहाँ पे आकर के देखते तो देखो यहाँ पे ड्यूरेशन दिखा रहा है कितना टाइम लगेगा आने में उसको बनने को। तब तक ये देखो अपना दोनों जो भी कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग का ये अंडा बन चुका है इतना बड़ा सा। इसको हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे इनक्यूबेटर में सेट कर देना है। कहाँ गया ये है। तो गाइस देख सकते हो हम लोग का इनक्यूबेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सीधा इसको कर लेते हैं। देखते हमें मिल चुका है एनुबस, सबसे अच्छा मजदूर इस पूरे गेम का। हमें बनाना है ओर्जर्क, जो कि इस गेम का सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, और वो हमारे बेस को इलेक्ट्रिसिटी देने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलो बनाते उसको। हमें ओर्जर्क बनाने के लिए एक रिलैक्सोसॉरस चाहिए और ग्रिस बोल्ट चाहिए। हमारे पास ग्रिस बोल्ट भी है, देख सकते हो कुछ ये रहे दोनों पोकेमॉन। चल करके हम ग्रिस बोल्ट को दे देते हैं। अब हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं, चलते हैं भाई। चलो अपना काम लग जाओ, केक लगा दें आप सुभान भाई। तो हम लोग का ओर्जर्क भी ब्रीड हो चुका है, अब हम इसका एग हैच करेंगे। आ जा भाई एग, आ जा। अभी मैं फुल हो गया, और हम लोग का इनक्यूबेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एग हम लोग हैच इनक्यूबेट कर लेंगे यहाँ से, और हम लोग का ओर्जर्क आ चुका है। निकालते हैं इसको बाहर। हाय क्या सीख है ये। अभी अगर हम लोग इसको यहाँ पे देंगे तो ये देखो बिजली चार्ज करने लगेगा, और कितना तेज बिजली चार्ज कर रही है। तो गैस अब हम लोग ब्रीड करेंगे शेडो बीक को, जिसको ब्रीड करने के लिए हमें चाहिए किट्सन और एस्ट्रोगॉन, जो कि हमारे बेस में है ऑलरेडी। चलो इनको लेकर के चलते हैं यहाँ से उठा के भाई। तो देख सकते हो अभी हम लोग एस्ट्रोगॉन और इसको किट्सन को भी ले आए हैं। अब ये दोनों अपना ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें मिलेगा शेडो बीक। और आ जाओ, और जो शेडो बीक है वो इस गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पहल है, जिससे भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो देख सकते हो अभी इनका ब्रीडिंग कंप्लीट होने वाला है। एग आ जाएगा अभी थोड़ी देर में हमारे सामने। हो जा जल्दी आ जा। आ गया देखो एग, अभी इसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो देख सकते हो हमारा एग इनक्यूबेट हो चुका है, हैच हो चुका है। अब हम इसको इनक्यूबेट कर लेंगे यहाँ से, और हमारा शेडो बीक भी आ चुका है, जो कि इस गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पहल है। तो गाइस अभी हम लोग का शेडो बीक भी बन चुका है। शेडो बीक को जो मैं अपने 5 के लाइनअप में रखूँगा, देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है शेडो भी। और मैं सोचा उसका शेडल भी बनाने के लिए, क्योंकि भाई बहुत काम का ये, ज़मीन में भी बहुत तेज़ भागता है और उड़ता भी बहुत तेज़ है। वैसे तुम लोग सोच रहे हो कि अभी मैं शेडल उसका कैसे बनाऊंगा, मेरा लेवल तो भाई बहुत कम है 24। तो देख सकते हो जो भाई मतलब मेरे साथ खेला शुभांश भाई, इसका लेवल ऑलमोस्ट 50 होने वाला है, 47 इसका शेडल अनलॉक है। तो इस गेम में हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर ये शेडल बनाएगा और मैं उसको एक्वायर कर लूँगा तो वो मेरे पैल में भी लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर यही यूज़ करने वाले हैं। और हमें इसका शेडो बीक का शेडल बनाने के लिए हमें वेनम ग्लैंड चाहिए, और लेदर चाहिए, और रिफाइन इनगट्स चाहिए। तो चलो उसको हम लोग लेकर के आते हैं सब, जो कि ये जो ट्रेडर है उससे मिल ही जाएगा, उससे ट्रेड ही कर लेते हैं। देखो अभी मैं नॉर्मल काम करता हूँ, किसी स्पीड से ये चल रहा है। और अभी मैं इसको जब भेजता हूँ फिर देखना इसकी स्पीड, ये देखो। तो भाई ये भाई तो बंदा भाई बहुत काम कर रही, देख सकते हो मैं इसको एक्वायर कर लिया। और अब देख मैं मेरा एक्कल फिर इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, ये देख रहे भाई उड़ता भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, चलता भी बहुत ज़्यादा तेज़ है।
तो गाइस अब जाते हुए मैं एक तुम्हें प्रो टिप भी दे देता हूँ कि अगर मान लो तुम्हें इन सबको बीट करने के लिए जो पैर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसको ढूंढने के लिए तुम्हें ये करना है कि टैप प्रेस करना है, पैल डेक में जाना है, और जिस भी पैल को तुम्हें पकड़ना है ब्रीड करने के लिए, मान लो तुम्हें रिलैक्सोसॉरस चाहिए और तुम्हें देखना है कि ये मैप में कौन सी जगह पे मिलता है, तो तुम्हें इस पे टैप करना है और जो स्टैट्स है इसकी जगह पे हैबिटेट कर देना है, और देख सकते हो ये येलो येलो बन जाएगा जहाँ पे भी ये मिलता है आपका मैप में। तो देखो मेरा मैप कुछ इतना एक्सप्लोर है और ये यहाँ पे मिलता है, और ऐसे ही तुम किसी भी पैल के साथ कर सकते हो। देखो अगर मुझे ये प्रॉन्चेडी चाहिए तो यहाँ पे मिलती है, ऐसे पेटेलिया यहाँ पे मिलती है, तो भाई इसकी मदद से तुम बहुत जल्दी जल्दी पैल ढूंढ करके उनको ब्रीड कर सकते हो। और आज की वीडियो में हमने जो 3 पैल ब्रीड किए हैं भाई, ये स्टार्टिंग के लिए पैल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो भाई बहुत हेल्प करते हैं। तो भाई न्यूबर्स को फाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और जर्क जो है बहुत ज़्यादा बिजली देता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बिजली चार्ज करता है तुम्हारे बेस में। और जो शेडो बीग है वो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पैल है, ये तुम्हारी पैल फाइट्स में बहुत हेल्प करेगा। तो चलो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो फिर बाय बाय।